यार आपको ट्रैफिक वाले ने गाड़ी में बिठा दिया है। हम उनकी इज्जत करनी चाहिए हमें। वो हर रोकने वाले को जिसको रोक रहे हैं कह रहा है 200 रुपया फाड़ जा रहे हैं, 200 ही लेना है। बाहर से आया हुआ है, मैं चाहता हूँ उसका रिकॉर्ड ना खराब हो, बाहर नहीं जा सकेगा। ठीक है, बाहर से आया हुआ है ना, बात कर लें सर वकील साहब से बात कर ले। कर ली मैं उनका सर, मेरी बात सुने, मैंने उनको बता दिया मेरे वाले साहब ये एडवोकेट है। मेरी बात सुने भाई जान, ये भाई जान गाड़ी में हो चुके हैं, आउट ऑफ कंट्री से हैं। जो आवाज़ें कसने वाली बात, वो आवाज़ें कसी हैं तो जो सरकारी काम कर रहा है उस पर आवाज़ें तो नहीं ना कसी। सर ने कहा चलान होगा, मैंने कहा लाइसेंस तो किसी के पास भी इधर रोको तो नहीं है। लाइसेंस ने कहा नहीं जी तुम्हें चलान होगा, 200 रुपया चलान किया। बहुत मेहरबानी आपकी भी, शुक्रिया करो सर से, आप भी एक्सक्यूज करो। कभी कभार जल्दबाजी में जज्बाती होगी, चुप कर। पहले कभी नहीं चलान हुआ? नहीं, कई दफा हुआ है, कई दफा, उसके बावजूद नहीं लिया। क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया, रीजनेबल लग रहे हैं। इनको सिर्फ एक वार्निंग के तौर पर सिर्फ 200 रुपये का फाइन किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम, हेलमेट क्यों नहीं लिया? सही सही बताना है सर, चलान हो गया था? नहीं चलान तो नहीं हुआ, चलान तो नहीं हुआ यार। क्या अब, क्या अब चलान कर रहे? हाँ चलान कर रहे। हाँ हाँ जी, कितने का होगा? अब पता है 1000, 1200, 1500 में हेलमेट मिल रहे हैं यार। इधर काम करते हैं, फैक्ट्री में जॉब करते हैं। मासूम आवाम हमारी बेचारी, फैक्ट्री में जॉब करते हैं। हाँ जी, पहले कभी नहीं चलान हुआ? नहीं, कई दफ़ा हुआ, कई दफ़ा, उसके बावजूद नहीं लिया। हाँ जी, उसके बावजूद नहीं लिया यार। सर आप इनको कितने का चलान करेंगे? बड़े शरीफ आदमी। मैंने, चूँकि इन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया, रीजनेबल लग रहे हैं। इनको सिर्फ एक वार्निंग के तौर पर सिर्फ 200 रुपये का फाइन किया मैंने। आपको अलर्ट करते चले, यहाँ पे आप पर्चे भी हो रहे हैं। अब हेलमेट पे जो नहीं रोकेगा कोई भी है, बड़ी कानूनी कार्रवाई। 1500 का हेलमेट है, सर्दी से भी बचेंगे और इसमें भी बचेंगे। नहीं भाई, 400 रुपये का मिलता है, लेकिन 1500 का जरा लॉन्ग टाइम चलेगा। नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। थैंक यू, ओके हो गया। नहीं, हमारी बोली आवाम, बोली जनता, आए आए। और आपने देखा कि हेलमेट की सख्ती इतनी हो चुकी है कि आवाम जो है ना, फिर भी उसके बावजूद खिलाफ वर्जियाँ करी। लेकिन अब 4 में से 3 बंदे हेलमेट इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी कावश है। पर अभी और भी लोगों को देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। इन्होंने पैसे ज़्यादा इनके पास, किस उसने बदतमीजी की है? वो कज़न है मेरा, खाला का बेटा, तो मैं माजरत कर रहा हूँ, उसने बदतमीजी की है, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ। वो अंदर बैठा अंदर साथ ज़रा रिक्वेस्ट करें, माजरत है सर जी, माजरत है, प्लीज जी माफ़ी। कह रहा है कि 200 रुपया दो, छोड़ देते हैं 200 रुपये। मैं कह यार तू चुप कर, मैं हाँ वो तो उन्होंने कर दिया, वो उन्होंने तार भी दिया है, लेकिन माजरत है यार। आपको ट्रैफिक वाले ने गाड़ी में बिठा दिया है। रावणा बंदा बोल लेता यार, ये बंदर बैठ के हाँ सुकून है जी। वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं। नहीं हम बिल्कुल हमारी, हम उनकी इज्जत करनी चाहिए हमें। वो हर रोकने वाले को जिसको रोक रहे हैं कह रहा है 200 रुपया फाड़ जा रहे हैं, 200 ही लेना है। तरीका ये उसके पीछे आए हैं, देखें अभी करते हैं उसका हल करते हैं। बाहर से आया हुआ, मैं चाहता हूँ उसका रिकॉर्ड ना खराब हो, बाहर नहीं जा सकेगा। ठीक है, बाहर से आया हुआ ना, बाहर में किससे बात करवानी? वकील साहब, बात कर लें सर, वकील साहब से बात कर लें। कर ली मैं उनका सर, मेरी बात सुने, मैंने उनको बता दिया मेरे वाले साहब ये एडवोकेट है। मेरी बात सुने भाई जान, मैं माफ़ी मांगता हूँ उनकी तरफ से, माफ़ी मांगता हूँ भाई जान आपकी। यार आपके पास पैसे इतने ज़्यादा, तो नहीं 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 कुछ भी नहीं, आपकी मेहरबानी। अच्छा कर लेते हैं, आपका करते हैं ना, आप करते हैं। अगर मैंने उसको थाने लेके, मैं अभी तक ले जाना था, थाने नहीं लेके गया वो पहले ही। ठीक है, इतने आप क्या, आप क्या चाहते हैं, आप आपका क्या? मैं तरला ही मारना और उसी की करना, इस चीज़ का तरला, पैसे नहीं कर, जितना हो गया ना उसके साथ, इतना ही बड़ा भाई, मेहरबानी करें सर। वो भी आपके साथ, वो भी आपके साथ। अच्छा अच्छा, ये दोनों इनके, उनके फेवर में ये चला रहे थे, वो पीछे बैठा हुआ था। ये भी मेरी खाला का, ये छोटी खाला का, वो बड़ी खाला का बेटा, और हम चारों तीनों कटे। आपको पता है इस टाइम जो FIR भी हो रही है, ऊपर लिया हुआ हेलमेट, मैं हेलमेट लेके जा रहा था, ये मेरे पीछे थे, मैं तो काफी, मैं तकरीबन पुल से वापस आया हूँ। इनको अभी इतना नहीं ना पता, बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पे भी FIR है। बेसिकली इनके पास जो होते हैं ना इस तरह के जिम्मेदार वगैरह, जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं, वही कहते हैं यार ये पकड़ो पैसे। जिम्मेदार नहीं है, लकड़ी का काम करते हैं भैया। अच्छा बात तो करें, 2 मिनट बात तो करें, क्या करवा देते हैं अभी, ठहर के करवाते हैं, ठहर के करवाते हैं, कुछ दरगुजर करें, कर लेते हैं, कर लेते हैं, बड़े पन होने का मुजाहरा करें, कर लेते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने उसको क्या कहा अभी, वो बेसिकली बाहर से आया ना, कंट्री से आया, उसको पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन का नहीं पता। फिर तो हमारी बात करवा दें, वो चेंज हो सके विद इन लास्ट फ्रॉम 7 डेज, फिर तो हमारी बात करवाएं, करवा देते हैं, आप भी करवाते हैं,
करवा देते हैं अभी कस्टडी में, देखे आपके पहले देख के करवा देते हैं आप भाई हमारे कह रहे हैं जरा रश कम हो जाए ना फिर कर लेने हैं रश कम ना घबरा जाए चलो 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 ये देख लेते हैं रश कम हो जाए हो ये भाईजान गाड़ी में हो चुके हैं आउट ऑफ कंट्री से हैं अब पता नहीं इनकी क्या सलाहियत अब हमारी बात नहीं करवा रहे ये पता नहीं क्यों क्या रीज़न है कानून भी लाजमी नाफज करवाना है लेकिन शायद जुर्माने आयद करके ज़्यादा जल्दी करवाया जा सके काफ़ी अरसे से इस बात पे हेलमेट एक्सेट्रा चलान पे लगे हुए हैं लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें बड़ी ही एक अजीब व गरीब चल रही हैं बट भी डिस्कस करते हैं क्या करते हैं उसको मैं छोड़ दूंगा बात तो करवा दें वो से बदतमीजी कर रहा है यार उनकी सर, वो, सर वो खुद इनसे माफ़ी मांगते हैं भाई से क्या जरूरत है बदतमीजी करने की यार मैं भी माफ़ी मांगता हूँ वो खुद माफ़ी मांगते हैं मैं वायलेंट हो गया और कहना 200 मेरे को ले ला यार जमा करा यार लगे तेरे को पैसे नहीं पता मैंने दस दे मैं आपको कहते हैं 200 मेरे से ले लो जमा करवाओ वो कहने दिया बन गया तेरा लाइसेंस बन गया अब 200 मेरे को बड़ बड़ बन गया लाइसेंस बन गया इन्हें इंजन बनने वाली बात होती है ना जो आवाजें कसने वाली बात वो आवाजें कसी है तो जो सरकारी काम कर रहा है उस पर आवाजें तो नहीं ना बस शीशा नीचे करना है आपने शीशा डाउन करना है बाकी आपकी आपकी जो मर्जी है आप करें हमें नहीं रोकते यार भाई आप साइड पे हो जाओ यार मेहरबानी पर परे हट जाओ परे हट जाओ अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है भाई का जाहिद ताहिर भाई क्या किया सर जाहिद कुछ भी नहीं मैंने सर के साथ कुछ भी नहीं बात ऐसी की कहाँ से आए हुए हैं मैं उकाड़ा से हूँ उकाड़ा से आए हुए हैं क्या काम करते हैं आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं आउट ऑफ कंट्री है कब आए हैं इधर इधर कंट्री में रहते हैं सऊदी अरेबिया में सऊदिया के रूल्स का पता है आपको जी बिल्कुल कितने स्ट्रिक्ट से रूल्स हैं बिल्कुल पता है चलान कैसे होता है सऊदिया में सऊदिया में चलान जो होता है वो कैमरे में पहुंच जाते हैं घर में मैसेज आ जाता है मेल पर आ जाता है जी सर फिर तारते हो चलान तारते कितने का होता है खिलाफ वर्दी जी जितना भी होता है तारते हैं अभी चलान हुआ उधर वहां पे हां हुआ तो फिर कितने का तार है तकरीबन 500 का भी हुआ 300 रुपए का 500 रुपए का 1000 का जितना भी मैक्सिमम जैसी खिलाफ वर्जी करेंगे वैसा वो जो हमको देना पड़ता है फाइन ज्यादा फिर सर से बदतमीजी की आपने मैंने सर से बाजेद कसी सर ने कहा चलान होगा अच्छा। मैंने कहा लाइसेंस तो किसी के पास भी इधर रोको तो नहीं है लाइसेंस ने कहा नहीं जी तुम्हें चलान होगा 200 रुपये चलान किया मैं लड़के को पैसे दिए तार के आओ वो तार कर आ गया साथ में लड़के खड़े थे वो कह रहे थे यार हमारे पास पैसे नहीं सर जी जा कर करा देंगे जाकर उसको पैसे नहीं थे मैंने उसको 100 रुपये दिया मैंने कहा जाओ तुम यार भेज दो तुम्हारा लाइसेंस बन गया है 200 रुपये ये लो चलान तारो अपना तुम्हारे पास नहीं है पैसे मैं देता हूँ मैंने कहा तुम्हारा चलान बन गया इसीलिए सर आया वो कहता बाइक पे थे आप नहीं मैं बाइक पे नहीं था कौन था वो मेरा कजन था बाइक तो वो किस पे थे मैं उसके पीछे बैठा था सर आ जाए तो बाइक पे थे आ जा जात बार चलो हो गए वो बाइक कर दिया माफी दे दी सर ने बहुत मेहरबानी बहुत जबरदस्त यार चलो जी बहुत मेहरबानी आपकी भी शुक्रिया करो सर से आप भी एक्सक्यूज करो कभी कभार जल्दबाजी में जज्बाती हो के चुप कर वो हमारे भाई हैं मैंने सर से बदतमीजी नहीं की कोई बात वो हमारे भाई हैं कभी भी हेलमेट पहनो खुदा ना खासा तुम्हारा को एक्सीडेंट हो गया मसला बन गया तो दो खानदान आपके साथ मुंसलिक हैं एक लड़की वालों का और एक आप वालों का उनकी खुशियाँ गम में कन्वर्ट ना करो हमारे भाई हैं उसकी खुशियाँ उनकी गम में कन्वर्ट ना करो आप हेलमेट पहनो सर पे यार बाहर ना निकलो थैंक यू सर बहुत शुक्रिया लो जी सर ने तो माफ़ी बड़े बन का मुजाहरा किया बहुत अच्छी बात की है बड़ा अच्छा कर दिया उस बंदे को जाने दिया और अब वो जा रहे हैं अभी अभी ट्रैफिक वालों को क्या कहेंगे आप अच्छे हैं बुरे हैं सही से आपने दिल से बात कर मैं दिल से बात नहीं करूँ जज्बाती हो जाता है बंदा जज्बाती मैंने बदतमीजी की होगी सर मैं मानूंगा जब मैंने बदतमीजी नहीं की मैं नहीं मानूंगा मैं सीधा कह रहा गुड चले चले खरिए से जाइए ओवरलोडेड पे अब आपने नहीं सिखाया बदतमीजी अल्लाह कुछ रखे यार वेल डन यार ये ज़बरदस्त बात हुई यार नादरीन यहाँ पे एक ट्रैफिक एहलकार के साथ बदतमीजी करने पर उसने थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एक अपने तरीके से समझाने की कोशिश की और उसके बाद जाने की जाने दिया ये बड़ी अप्रिशिएट की बात है अल्लाह ताला खुश रखे आबाद रखे और यही सारी सूरत हाल है